नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है और मैं हूं कुमार अभिषेक। पिछले 24 घंटे के अहम खबरों को समेटे हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज बात होगी क्या हुआ आज हाथरस में और कैसे हाथरस पर हुई है आज सियासत, साथ साथ पूरे प्रदेश में कितनी महफूज हैं बेटियां। चलते हैं खबरों की तरफ। कुछ दिन पहले योगी सरकार ने दशहरा और दुर्गा पूजा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया था, यानी कि दुर्गा पूजा में पंडाल नहीं बनेंगे, सार्वजनिक जगहों पर मूर्तियां नहीं रखी जाएंगी, ऐसा एक फैसला आया था। लेकिन आज जब अनलॉक 5 की गाइडलाइंस आई तो उसके कुछ प्रावधानों से यह साफ हो गया कि अब दुर्गा पूजा या दशहरा के पंडाल भी बनाए जा सकते हैं। दरअसल कंटेनमेंट जोन के बाहर सार्वजनिक आयोजनों की अनुमति दे दी गई है और सरकार ने कहा है कि कुछ लोगों को अनुमति विशेष तौर पर दी जा सकती है, यानी कि अगर कंटेनमेंट जोन छोड़ दिया जाए तो उसके बाहर अब सार्वजनिक आयोजन होंगे। और इसी को आधार मानते हुए अब सरकार की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि दशहरा और दुर्गा पूजा में आयोजन किया जा सकता है। तो यानी जिस चीज पर पहले इस बात की बंदिश थी कि शायद दुर्गा पूजा में इस बार पूजा का आयोजन सार्वजनिक तौर पर नहीं हो पाएगा, सिर्फ रामलीलाएं ऑनलाइन देखी जा सकेंगी, लेकिन अब लगता यह है कि जो प्रावधान सरकार ने नए लाए हैं उसके तहत इस बार दशहरा पूजा में एक बार फिर से पंडाल और मूर्तियां दिखाई देंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड के प्रोटोकॉल के साथ। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ। हाथरस में दलित लड़की के साथ बलात्कार और फिर उसकी दुखद मौत का मामला अब सियासी रूप से भी तूल पकड़ता जा रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज दिल्ली से हाथरस के लिए निकले थे उस परिवार से मिलने, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने भी विपक्ष को उस गांव में जाने से रोकने का पूरा इंतजाम कर रखा था। राहुल और प्रियंका को नोएडा के डीएनडी टोल के पास से ही रोकना शुरू कर दिया गया। जब वो दोनों आगे बढ़े तो पुलिस वालों से उनकी झड़प हो गई, धक्का मुक्की हुई और राहुल गांधी सड़क पर गिर पड़े। कांग्रेस पार्टी ने बकायदा इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया है और सरकार के लिए फिलहाल जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हालांकि प्रियंका और राहुल दोनों को फिर वहां से फॉर्मूला 1 के गेस्ट हाउस में ले जाया गया और फिर वापस दिल्ली भेजा गया, लेकिन हाथरस कोई पॉलिटिकल पार्टी न जाए इसकी पूरी कोशिश सरकार कर रही है। सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि उस इलाके में अभी किसी को जाने की अनुमति नहीं होगी। 3 पुलिस वालों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, वो एक बड़ा बहाना है और साथ साथ एसआईटी की टीम इस वक्त वहां जांच कर रही है। ऐसे में गांव में नेताओं को जाने से रोकने की कोशिश एक तरफ चल रही है, दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को नहीं छोड़ने की का तय कर रखा है और यही वजह है कि अब सरकार को सियासी तौर पर इसका जवाब देना मुश्किल हो रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हाथरस मामले में अब जमकर सियासत हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार इस मुद्दे पर बैकफुट पर क्या आई, तमाम विपक्षी दलों ने योगी सरकार को घेरने की कवायद शुरू कर दी है। सबसे बड़ा नाम इस वक्त प्रियंका गांधी का है और आज साथ में थे राहुल गांधी। इन दोनों लोगों ने दिल्ली से हाथरस की यात्रा शुरू की ताकि वो उस पीड़ित परिवार से मिल सकें, लेकिन डीएनडी टोल के बाद ही उन्हें यूपी पुलिस ने रोक लिया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पैदल ही सड़कों पर निकल चले कि वो अगले 150 किलोमीटर की दूरी पैदल गांव तक पहुंच जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने भी तय कर रखा था कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को आगे नहीं बढ़ने देना है। दरअसल उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे पर सियासत कुछ इस कदर गरमाई हुई है कि सरकार ने साफ तौर पर यह मन बना लिया है कि इस वक्त हाथरस के उस गांव में कोई सियासी दल ना पहुंच पाए, लेकिन आज पूरे दिन कांग्रेस लड़ाई के मूड में रही। राहुल गांधी पुलिस कर्मियों से सीधा भिड़े, उन्होंने साफ कहा कि वो जाएंगे, रोकना है तो रोक लो, और उस दौरान जो धक्का मुक्की हुई राहुल गांधी उसमें गिर पड़े। राहुल ने साफ कहा कि वो फिर जाएंगे और जिन्हें रोकना है रोके। कुल मिलाकर एक विपक्ष का ऐसा नैरेटिव इस वक्त सेट हो रहा है जिसमें कहीं ना कहीं जो एज है, जो मार्जिन है, वो इस वक्त विपक्ष ले जा रहा है और सरकार बैकफुट पर है। चलते हैं अगली खबर की तरफ।
उत्तर प्रदेश सरकार को आज थोड़ी राहत मिली, वो तब जब हाथरस की उस दलित लड़की का एफएसएल की रिपोर्ट आ गई। सफदरजंग से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और साथ साथ एफएसएल रिपोर्ट आगरा से आ गई। सरकार के मुताबिक इस रिपोर्ट की माने तो हाथरस की उस दलित लड़की के साथ गैंगरेप नहीं हुआ है, बलात्कार नहीं हुआ है, क्योंकि न तो पोस्टमार्टम में और ना ही एफएसएल से आई जो रिपोर्ट है उसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। हालांकि उसके गले पर चोट के निशान, साथ साथ उसकी रीढ़ की हड्डी में भी चोट के निशान मिले हैं। गला दबाकर हत्या किया गया है, यह बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आ गई। आज जैसे ही यह रिपोर्ट आई, पुलिस प्रशासन और योगी सरकार ने इसे बड़े तौर पर दिखाना शुरू किया कि हाथरस की जिस लड़की को लेकर इतना हंगामा मचा है, दरअसल यह सिर्फ और सिर्फ गला घोटकर मारने की कोशिश का मामला है, ना कि बलात्कार का। हालांकि इस पर आखिरी फैसला कोर्ट को करना है, लेकिन सरकार इसे अपने बचाव में मान रही है। अब देखना यह है कि आज के इस रिपोर्ट आने के बाद क्या मामला बदलता है या फिर इस पर सियासत और बढ़ती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हाथरस मामले में आज एक नया मोड़ आ गया। नया मोड़ हाथरस डीएम के एक वीडियो के वायरल होने का था और यह वीडियो उस परिवार से बातचीत का था जिसमें डीएम साहब पीड़ित परिवार को यह समझाते नजर आए कि मीडिया तो चली जाएगी, साथ में वही रहेंगे और अपने बयानों पर वो टिके रहें, अपने बयान न बदलें। साफ तौर पर कहीं ना कहीं उस परिवार को एक सॉफ्ट धमकी दी गई कि अगर आप हमारे साथ हैं तो आपका सब कुछ ठीक होगा, लेकिन अगर आपने बयान बदला तो फिर सरकार भी आपके साथ नहीं रहेगी। ये एक ऐसा बयान सामने आया है जिससे सरकार की किरकिरी होनी तय है, और वो भी तब जब योगी सरकार आज ये महसूस कर रही थी कि शायद उसे थोड़ी राहत मिल जाए, क्योंकि आज ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल की रिपोर्ट आई थी जिसमें साफ तौर पर यह सामने आया कि उस लड़की के साथ दुष्कर्म नहीं किया गया है। और सरकार ने भी बकायदा अपने पुलिस तंत्र को पूरी तरीके से आगे कर ये कहा कि हाथरस की उस पीड़िता के साथ कोई रेप नहीं हुआ है। हालांकि अब तय करना अदालत का काम है, लेकिन एक तरफ सरकार राहत की सोच रही थी, दूसरी तरफ हाथरस के डीएम ने जो बातें कह दी उससे एक बार फिर सरकार के लिए मुसीबत आ गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ और अब जान लीजिए क्या है उत्तर प्रदेश में कोरोना का सूरत हाल। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में कुल 4095 नए कोरोना के संक्रमित मरीज मिले, जबकि 4444 लोग कोरोना से नेगेटिव हो गए। पिछले 24 घंटे में कुल 80 लोगों की मौत उत्तर प्रदेश में कोरोना से हुई है और अब मरने वालों की तादाद बढ़कर 5864 हो चुकी है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में सक्रिय संक्रमित कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 50,378 है, जो पिछले कुछ दिनों में लगातार घटता दिख रहा है। तो ये था कोरोना का सूरत हाल। पिछले 24 घंटे के तमाम अहम खबरों को समेटे ये था हमारा न्यूज शो आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए